भाई सरकार पे तो असर पड़ेगा। देखो हमने एक छड़ा में फूक दिए, जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री तोमर और प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद विजेंद्र सिंह और यूपी का मुख्यमंत्री योगी को आज हमने पुतले के रूप में एक छड़े में फूकने का कार्य किया। ये क्यों किया है कि किसान बड़ा हताश और नाराज है। लगभग 11 महीनों से देश की राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दूसरा, जो दुष्यंत चौटाला कहता था कि अगर MSP पर आँच आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, हमने स्वयं उचियाणा की मंडी में जाकर देखा, दूसरे मंडी में जाकर देखा कि आज बाजरा 1200 रुपए और 1300 रुपए बिकता है, जबकि सरकार कहती है कि हम बरवंतर भरपाई योजना देंगे, लेकिन वो कितनी, 600 रुपए। अगर कुल मिलाकर देखें तो 600 और 1200 1800 रुपए मिलते, जबकि MSP रेट है 2250। तो ये जो 450 रुपए का अंतर है, ये कौन देगा? सरकार ने आज तक कोई क्लियर नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे या बाजरे की खरीद MSP पर हो। ये सीधा किसानों की जेब पर डाका है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी भी कहता था देश का MSP है, MSP रहेगा और MSP था, लेकिन आज MSP ना तो है और ना हमें रहने की उम्मीद, क्योंकि हमने मांग की थी कि MSP का गारंटी कानून हमें दिया जाए, वो लिखित में। अब भी सुंडी से कपास की फसल तबाही हुई है इलाके के अंदर, उसकी भी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाई जाए और 50,000 रुपये पर एकड़ किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए।